तो चलिए आज चलते हैं हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि पोषण ट्रैकर में न्यू अपडेट आई है, इसमें कुछ जानकारी आप लोग के लिए है। तो पोषण ट्रैकर में हम लोग जानेंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग हम लोग किस प्रकार से भरेंगे पोषण ट्रैकर में। यानी कि आप लोग जितना भी लाभार्थी को देखते होंगे सर्किल बना के कलर द्वारा पहचानते होंगे, तो वो सब हम लोग जानेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं और जानेंगे कि कलर से कलर द्वारा आप लोग अति कुपोषित कुपोषित को पहचानते हैं, तो इस तरह से हम इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक बार समझा देते हैं कि किस प्रकार से इसमें किया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 0 माह से 6 माह के बच्चे जितना भी है, तो मेरा ये देखिए कि ग्रोथ मॉनिटरिंग किया हुआ है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे जो हरा कलर के आप लोग को शो कर रहा है, यानी कि ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप लोग को नॉर्मल किस प्रकार से करना है, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोग को कैसे करना है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे 0 से 6 माह के बच्चे को हमने दिखा दिया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 6 मंथ से 3 ईयर, तो जितना भी लाभार्थी है सभी का हमने ग्रोथ मॉनिटरिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जितना भी लाभार्थी का है मेरा, इस तरह से ग्रोथ मॉनिटरिंग किया हुआ है। और कैसे करना है इसके बारे में हम लोग अभी के अभी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू से करते हैं कि कैसे इसको करना है, और जितना भी आंगनबाड़ी सेविका है जल्द से जल्द ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेंगे। पहले आप लोग को क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर दिख रहा होगा, इसको हम लोग को पहले सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से क्लिक किए, और लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे 4 अंकों का पिन, तो ये सब आप लोग जान रहे हैं और लॉगिन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 अंकों का मोबाइल नंबर इस तरह से हम लोग डाल लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप लोग को देखने को मिल रहा है जो भी लाभार्थी है वो आप लोग को बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा। और इसको हम लोग को किस प्रकार से ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, और यहाँ पे होम विजिटिंग शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में इस तरह से जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0 माह से 6 माह के बच्चे, यहाँ पे 6 माह से 3 ईयर के बच्चे, यानी कि 6 महीने से 3 साल के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे। अगर आप लोग को किन्हीं को भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है तो आप लोग को क्लिक करना होगा इस तरह से। और क्लिक करने के बाद आप लोग को ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे आप लोग को जो 3 डॉट दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस बच्चा का आप लोग को हाइट और वजन आप लोग को पूछा जाएगा। तो जो बच्चा है आप लोग को वजन और हाइट आप लोग को नाप के रखनी है। तो चलिए हम इस बच्चा का एक हाइट हम लोग डाल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे वजन जो था सो यहाँ पे हम लोग एक वजन डाल लेते हैं। डालने के बाद आप लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे इस तरह से। या अगर आप इससे हेल्प से आप लोग को करना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया ऊंचाई 45.72 से 152.4 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो वजन में जो किलोग्राम में यहाँ पे वेट जो दिया गया है जो 0.5 से 2 40 kg यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को हेल्प में भी दिया गया है। और आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सबमिट मारेंगे इस तरह से। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। इस तरह से आप लोग को आके और बैक हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो भी लाभार्थी का आपने यहाँ पे आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, तो यहाँ पे आप लोग जाके, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जो कलर है तो हरा का पहचान क्या है, तो हम लोग हरा का पहचान के लिए हम लोग को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया है ये नॉर्मल, यानी कि ये जो स्टेटस है मेरा हेल्थ स्टेटस यहाँ पे नॉर्मल हो गया है। और इस तरह से हाइट जो हम लोग का जो ऊंचाई दिया गया है तो इस तरह से दिया गया है, और वेट इस तरह से दिया गया है, और कौन दिन का हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है ये आप लोग को जानकारी दिया गया है। अगर इन लाभार्थी का आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग को छोड़ देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग वेरीफाई कर देंगे, यानी कि जब जो बच्चा का आपके पास आधार कार्ड है उनको वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्व निकलेगा। आप लोग को पहले ही पता है कि जो भी लाभार्थी है, यानी कि आप जितना भी लाभार्थी को देख रहे हैं, यानी कि 0 माह से 6 माह के बच्चे, तो इनका तो आधार कार्ड होगा ही नहीं। इसके बाद आप लोग देखेंगे 6 महीने से 3 साल के बच्चे, इनका भी नहीं हो सकता है। या आप लोग को 3 साल से 6 साल के बच्चा का, इसमें कम से कम 100 में 5% का होगा यहाँ पे आधार कार्ड। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि सिर्फ आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेंगे। अगर आप लोग को आधार कार्ड वेरीफाई करना है तो आप लोग डायरेक्ट, इस तरह से हमने वीडियो भी डाल दिया है कि किस प्रकार से आप लोग आधार वेरीफाई करना है। तो आधार वेरीफाई जैसे ही हम लोग किए हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने इसका ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है,
और वेट भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आधार जो हमने वेरीफाई किया है वो 17/9/2021 को, यानी कि 3:58 पे हमने इसको वेरीफाई किया है आधार कार्ड, जो आधार कार्ड अभी वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से जिनका आधार कार्ड है वो हमने इस वीडियो, हमने इससे पहले वीडियो बनाए हैं कि किस प्रकार से आप लोग लाभार्थी का आधार वेरीफाई करेंगे, तो इस तरह से मेरा आधार कार्ड वेरीफाई की कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना होगा कि जितना भी लाभार्थी यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा है बच्चे, इनका तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोग को डालना ही होगा, यानी कि आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ नीचे में दिया गया विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को हाइट और वजन आप लोग को देना होगा। देने के बाद आप लोग को डायरेक्ट सबमिट मारेंगे, यानी कि हमने इस बच्चे को हमने जो लंबाई नापे हैं 105 सेंटीमीटर नापे हैं, और उसके बाद वजन हम इनका जो नापे हैं इस तरह से हमने 13 kg नापा है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह से मेरा जो रिकॉर्ड है सफलतापूर्वक बनाया गया और यहाँ पे टिक आउट होके आ जाएगा और बैक हो जाएगी। जैसे ही बैक होगा तो आप लोग देखेंगे कि जो लाभार्थी का हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो अभी मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाभार्थी का ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, तो इस तरह से मेरा नॉर्मल हो चुका है। और आप लोग को हर एक लाभार्थी को यहाँ पे नॉर्मल करना है, यानी कि आप लोग अगर देखना चाहेंगे दूसरा, यानी कि ओबीज या सैम मैम या इस तरह से आप लोग इसको तो नॉर्मल बोलेंगे हम लोग, सैम मैम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन सैम मैम नॉर्मल अगर आप लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से सैम मैम नॉर्मल हम लोग यूट्यूब से हम लोग खोजते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग सर्च करेंगे कि जो भी लाभार्थी का हमने सैम मैम नॉर्मल अगर आप लोग को यहाँ पे सर्च करनी है, तो यहाँ पे मेरा जो वीडियो है सबसे पहले यहाँ पे रैंकिंग कर रहा है। और यहाँ पे सर्च करने के लिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग को सर्च करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सैम मैम नॉर्मल कैसे करें, और यहाँ पे आप लोग आंगनबाड़ी हेल्पलाइन लगा दीजिए, आंगनबाड़ी HELP हेल्प लाइन हेल्पलाइन लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, सर्च जैसे ही करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि मेरा जो आंगनबाड़ी हेल्पलाइन है इस तरह से आप लोग को सैम मैम के बारे में समझाया गया है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा सैम मैम नॉर्मल ओबीज, ये सब के बारे में हर एक वीडियो आप लोग के लिए बताई गई है। यहाँ पे सैम मैम नॉर्मल और ओबीज इस तरह से आप लोग को जानकारी दिया गया है। और भी जानकारी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे जो भी अति कुपोषित कुपोषित किस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे, यानी कि हमने पोषण ट्रैकर ओबीज से नॉर्मल कैसे ले जाना है, ये सब के बारे में भी हमने बता चुके हैं इस वीडियो में। तो आप लोग आसानी से हमारे YouTube चैनल पे सर्च करेंगे, यानी कि हमारे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आप लोग को आसानी से सैम मैम नॉर्मल के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कतें होती होगी तो आप हमारे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग को जल्द से जल्द हमारे चैनल से वीडियो प्राप्त होगी। चलिए वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।